रेवाड़ी में एम्स बनाए जाने की घोषणा करना मनोहर सरकार की गले की फांस बन गया है। वो इसलिए कि 2 अक्टूबर से इलाके के लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। इस बीच अलग अलग पार्टी के दिग्गज नेता धरने का समर्थन कर मनोहर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। बुधवार को यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने भी धरना स्थल पर एक संदेश पहुंचाकर धरने का समर्थन किया और कहा कि समाजवादी पार्टी के सभी सांसद आगामी संसद के सत्र में एम्स का मुद्दा उठाएंगे। रेवाड़ी के मनेठी गांव में धरने पर बैठे ये ग्रामीण उस मांग को पूरा कराने के लिए अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं जिसकी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 3 साल पहले बावल रैली में घोषणा की थी। घोषणा थी कि मनेठी गांव में 200 एकड़ भूमि पर एम्स बनाया जाएगा, लेकिन इतना वक्त बीतने के बावजूद ना घोषणा पूरी हुई और ना घोषणा पर कोई काम हुआ। उल्टा सीएम ने घोषणा खारिज करते हुए एम्स बनाए जाने की संभावना से भी इनकार कर दिया। इसके बाद मनोहर सरकार विरोधियों के निशाने पर आ गई। सरकार के खिलाफ रोष जाहिर कर धरने पर बैठे ग्रामीणों का समर्थन करने तमाम पार्टियों के दिग्गज नेता भी पहुंच रहे हैं। बुधवार को यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने भी अपना प्रतिनिधिमंडल भेजकर ये संदेश भिजवाया कि समाजवादी पार्टी भी धरने का समर्थन करती है और आगामी संसद के सत्र में समाजवादी पार्टी के सभी सांसद एम्स का मुद्दा उठाएंगे। अनशन चल रहा है एम्स संघर्ष कमेटी मनेठी द्वारा एम्स की मांग को लेकर। उसके लिए मैं माननीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी और श्री अखिलेश यादव जी से मिला था पिछले इतवार को। उनको मैंने इस समस्या के बारे में अवगत करवाया है। उसके लिए उन्होंने पत्र भिजवाया है अपने समर्थन का और इस मसले को वो लोकसभा में भी समाजवादी पार्टी के सांसदों द्वारा उठाया जाएगा। वो चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र की इस मांग को पूरा। बता दें कि प्रदेश के सभी दिग्गज नेताओं के साथ साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी धरना स्थल पर पहुंचकर धरने का समर्थन कर चुके हैं और अब यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने भी एम्स की मांग को पूरा कराने के लिए आवाज़ बुलंद करने की बात कही है। एम्स बनाओ संघर्ष समिति का कहना है कि एम्स जब तक नहीं बनाया जाएगा तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा और मांग नहीं मानी गई तो जैसे 5 राज्यों में जनता ने बीजेपी का सफाया किया है वही हाल हरियाणा में भी दोहराया जाएगा। खुद सीएम साहब ने घोषणा की थी और मैं तो डॉक्टर साहब विराट जी का कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और नेताजी मुलायम जी का जो हमारे इतने दूर रहते हुए भी हमें इतने नज़दीक से समर्थन दिया है मैं उनके लिए कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जी। हाँ जी, और सरकार को ये चेताना चाह रहा हूँ अभी 3 राज्यों का रिजल्ट देख लिया होगा, ऐसे ही हरियाणा में भी अगर एम्स नहीं बनी तो वो अपना सुपड़ा साफ समझे। तो क्या लग रहा है आपको, अभी कोई बातचीत हुई है जैसे आपने स्थानीय जो केंद्रीय मंत्री है राज्य मंत्री है वो आपके बीच आए होंगे? केंद्रीय और राज्य मंत्रियों में तो होट लग रही है, एक कह रहा है मेरी सोच है, दूसरा कह रहा है मेरी सोच है। हमने आज तक ये कभी कहा ही नहीं है। धरने पे बैठे लोगों की सोच थी, सोच तो उन्हीं की थी, पर बनवाओ, हम तो इसलिए धरना दे रखा है भाई हमारी एम्स बनवाओ। लेकिन अब स्थानीय दोनों मंत्रियों के लिए एम्स बनाए जाने की मांग को लेकर शुरू किया हुआ धरना गले की फांस बनता नजर आ रहा है। केंद्रीय मंत्री राविंदर सिंह साफ कह चुके हैं कि ग्रामीणों को पता नहीं था कि एम्स बन सकता है, ये मुद्दा उन्होंने ही आगे बढ़ाया है और वही पूरा कराने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं। स्पष्ट करना चाहते हैं जी, ये किसी प्रतिनिधि मंडल की सोच नहीं थी जी, ये किसी गांव वाले की भी सोच नहीं थी, यहाँ के किसी नेता की भी सोच नहीं थी कि एम्स जैसी चीज का ऐलान यहाँ पर हो जाए। अगर ये सोच किसी की थी तो मेरी थी जी, मैंने कह करके और ये इसका किया जब सारे के सारे उसके ऊपर चढ़ गए, सवार हो गए घोड़े के ऊपर, एम्स लाओ एम्स लाओ। अगर मैं नहीं करे होता तो ये एम्स कौन मांग रहा था जी? आज धरना पे बैठने का कोई इलाज ही नहीं था, कोई था ही नहीं, मुद्दा ही नहीं था। तो मैं लेकर के आया या कम से कम मुद्दा जारी तो छेड़ा तो सही, वो मैंने किया। एक तो ये मैं कहना चाहता हूँ और जब मैं उसको इनिशिएटर हूँ मेरा वहाँ जाकर के मुंह दिखा करके कोई क्रेडिट लेने की बात नहीं है। मैं कोई राजनीति कर नहीं कर रहा, मैं इसके लिए पूरे तौर पे प्रयासरत हूँ और चाहता हूँ कि जो मेरी जबान से बात निकली है, मेरे चीफ मिनिस्टर की जबान से बात निकली है, वो सिरे चढ़े और उनको बहलाने के लिए मैं नहीं जाऊँगा। जिस तरह से सीएम साहब ने कहा, इनकार कर दिया साफ तौर पर और आप लोग कह रहे हैं कि कोशिश हो रही है, सीएम साहब कह रहे हैं कि संभावना नहीं है कोई, जिस तरह से उनके बयान आ रहे हैं। देखो मैं सीएम साहब की तरफ से बयान नहीं दे रहा, मैं अपनी तरफ से बयान दे रहा हूँ। मैं सिर्फ ये एक्सेप्ट करता हूँ कि सीएम साहब ने आकर के मेरे साथ अरुण जेटली से बात करी, उन्होंने चिट्ठी लिखी, लेकिन उसके बाद अगर वो कहते हैं कि भाई ये संभावनाएं ही हैं तो भाई वो अपनी तरफ से कह रहे हैं। मैं यूँ कह रहा हूँ कि मैं भी
अपनी तरफ से प्रयासरत हूँ और कोशिश करूंगा कि ये अगला बजट आएगा चाहे वो 3 महीने वाला ही हो इसके अंदर कुछ सिरे चढ़ाए। प्राइम मिनिस्टर से अब्बल कोई मेरे पास मुद्दा है नहीं, कोई जगह नहीं जाने के लिए, प्राइम मिनिस्टर तक मैं पहुंच गया।